हाय दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी को धनजी टेक्नीशियन में स्वागत है। आज एक गाड़ी आई है इंट्रा V10, जो कि चल रही है, ठीक चल रही है, चलते चलते इसलिए छोड़ दे रहा है। इसमें दो तीन फॉल्ट आ जा रहा है, ECU का लिमडा सेंसर, नॉक सेंसर, इसलेटर पैडल, हर एक ये फॉल्ट आकर फिर कंफर्म में फिर मेमोराइज में आ जा रहा है हमारे लैपटॉप में। तो देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, आइए आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही गाड़ी है, इसमें अगर ऐसा फॉल्ट आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वायरिंग का दिक्कत है। तो इसमें इसलेटर छोड़ दे रहा है, तो बाहर के मिस्त्री ने देखे कि आके इस नया इसलेटर पैडल लगा दिया है, फिर भी हमारी गाड़ी सही नहीं हो रही है। तो कस्टमर बहुत परेशान होकर आए हैं हमारे पास। देखिए ये हमने पूरा वायरिंग है, जब वायरिंग खोला है ये ECU कनेक्टर भी निकाला है, ये निकाल कर हम इसका वायरिंग पूरी एक एक वायरिंग को बहुत बारीकी तरह से हम चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि कहीं बॉडी में सट कर ये सब वायरिंग आपस में ऐसे ऐसे बॉडी में सट सट कर रगड़ा कर कट जाता है, बॉडी में सट जाता है, तो चलते चलते गाड़ी का इसलेटर छोड़ देता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम में हर एक चीज़ फॉल्ट आ जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, इससे देखना चाहिए। तो हमने ये सब खोला है तो हमको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यही एक वायरिंग है जो डायरेक्ट सप्लाई 12 वोल्ट का है, ये बॉडी में सट रहा था। टोटल यही से हमको लग रहा है दिक्कत है। देखिए ये बॉडी है, बॉडी में ऐसे सटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव जब सटेगा तो दिक्कत होगा ही। अभी हमको यही मिला है, अब देखेंगे इसका पूरे तरीके से लगाएंगे, देखेंगे फिर हमारी गाड़ी सही हो रही है कि नहीं, फिर लैपटॉप लगाएंगे फॉल्ट कोड देखेंगे। ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है, ये सेंसर ख़राब भी हो जाता है तो हमारा इसलेटर छोड़ देता है, गाड़ी पूरा पिकअप में आ जाती है, भागती नहीं है। इसमें भी यही दिक्कत है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, अब कोई चेक लाइट नहीं आ रहा है, लैपटॉप में फॉल्ट भी नहीं है। अभी इसलेटर देखिए, इसलेटर भी नहीं छोड़ रहा है, अब चालू करने पर भी इसलेटर छोड़ दे रहा है, जैसे कि चेक लाइट नहीं है, यानी हमारी गाड़ी सही हो गई। ओके, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए टोटल हमारी गाड़ी सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।